आशीष नोटियाल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे और अच्छी सी सबकी प्रैक्टिस चल रही होगी हमेशा की तरह। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, जैसे कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो में सीखे थे, कहरवा के कुछ प्रकार तबले पर। इसमें हम सीखने वाले हैं कि कहरवा के जो मीडियम जो प्रकार हमने सीखे थे उनके बीच में तुलना वाले जो पैटर्न होते हैं। अक्सर आप लोगों की बड़ी डिमांड होती है कि तबले पर जो कहरों में तुलना के कुछ पैटर्न होते हैं वो कैसे बजाए जाते हैं। तो इसमें जो ज़्यादातर जो तुलना के जो पैटर्न बजाए जाते हैं वो मोस्टली चार ही होते हैं जो ज़्यादातर बजाए जाते हैं। उनमें से मैं चारों के चारों आपको इसमें बताने वाला हूँ। वीडियो आपने कंप्लीट देखना है और एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट यह है कि वीडियो पूरा देखा करें। मतलब आपका यही मेरे साथ बहुत बड़ा सपोर्ट है कि आप अगर बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखते हैं। इससे होगा ये कि थोड़ा ये वीडियो और लोगों के पास भी पहुँचेगा अगर आप इसको कंप्लीट देखेंगे तो। जैसे आपको ज़रूरत है वैसे और लोगों को भी ज़रूरत होती है, तो ये ज़्यादा आगे जाता है अगर आप इसे कंप्लीट देखते हैं। तो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, कमेंट करके बताएं कि आगे आपको मतलब किस तरीके के वीडियोस चाहिए, या आप कैसा सीखना चाहते हैं, या कोई प्रॉब्लम आ रही है सीखने में, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अच्छा लगे तो शेयर भी करें। और दूसरी बात, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं घर बैठे ढोलक तबला अगर सीखना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन क्लासेस की जो भी फीस होगी वो मैं आपको बता दूंगा। और अगर आप YouTube से ही सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फिलहाल मतलब मैं ऑनलाइन क्लासेस ना लूँ, मैं YouTube से ही सीखूं, तो उसके लिए आपको करना ये चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड कलर का जो नीचे बटन दिखाई दे रहा है अगर अभी तक नहीं किया है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते जरूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब 30 या 36% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं। अदरवाइज मैंने देखा है कि मतलब 60% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप देखते हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। ठीक है, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा सबसे पहले, तो आप वो वीडियो वैसे भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब करने का आपका ये फायदा रहेगा और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए। तो होता क्या है, जब भी हम कोई मीडियम कहरवा बजाते हैं मीडियम स्पीड में, तो इसमें मैं जो तुलना वाले पैटर्न बताने वाला हूँ आप लोगों को, वो आप फास्ट में भी बजा सकते हैं और स्लो में भी, थोड़ा सा मीडियम में भी बजा सकते हैं, बहुत फास्ट में भी आप बजा सकते हैं। एक पैटर्न इसमें ऐसा भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला हमारा पैटर्न है धातु धाना नातु धाना। ठीक है, ये कहाँ पर कैसे आप बजाएंगे, जैसे कि मैंने पिछले दो वीडियोज़ में आपको कहरवा के मीडियम कहरवा हमने स्टार्ट कर दिया है, उसमें पैटर्न है जैसे कि ये पैटर्न है, इस तरीके से ये पैटर्न बजा सकते हैं। देखें कैसे बोल बज रहे हैं। ठीक है, तो धा को जो है आप जंप भी कर सकते हैं शुरू में और सिंपल भी रख सकते हैं, धातु धाना धातु। अच्छा, धा पे ऐसे जंप किया जैसे तू बजाया, यहां से हमने कलाई को नीचे रख दिया, धातु धाना लास्ट वाला धा जो है स्लिप किया। अगर जंप बेस बजाने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप शुरू वाला और लास्ट वाला दोनों धा को स्लिप कर सकते हैं। कैसे, धा टू धा। ठीक है, इस वाली उंगली से दूसरा वाला धा, धा शुरू वाला स्लिप टू धा ना ना टू ना के बाद जो टू आएगा उसके साथ थोड़ा सा गा भी आपने लगाना, गा मतलब टच करना है इंडेक्स फिंगर से बेस साइड में, टू फिर धा ना, इसको भी स्लिप कर सकते हैं सिंपल, धा ना ऐसे। ठीक है, दोबारा देखें, धा टू धा ना ना टू धा ना, फिर से धा टू धा ना ना टू धा ना, धा टू धा ना ना टू धा ना। समझ गए, अगर जंप करना है तो शुरू में जंप भी कर सकते हैं, जैसे कि धा टू धा ना ना टू धा ना। लास्ट में स्लिप करना है, शुरू में जंप कर सकते हैं। ठीक है, शुरू वाला बेस, धा टू धा ना ना टू धा ना। बहुत ही सिंपल पैटर्न है,
बार बार इसलिए बताता हूँ जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि अगर बोल एक बार भी गड़बड़ हो गया, सपोज कि आपने इसकी गलत प्रैक्टिस कर ली, तो इसका कोई उपाय नहीं है जी आप इसको जल्दी से सही कर पाएं। क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी बोल अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो जल्दी से हाथ में आ जाता है, ठीक है, आप उसमें मेहनत करते हैं तो हाथ में आएगा ही। लेकिन अगर एक बार हाथ में आ गया और वो गलत रहा और उसको सही करना पड़े तो उससे डबल या ट्रिपल टाइम आपको लग सकता है उसको भूलने के लिए। तो इसलिए कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करने से पहले सबसे पहले ध्यान रखें कि वो गलत ना हो, अगर गलत प्रैक्टिस हो गई तो दिक्कत होगी, इसलिए बार बार बताता हूँ, ठीक है। धा जंप नहीं हो रहा है, सिंपल बजाएं, धा टू धा ना ना टू धा ना, सिंपल है, शुरू हो लास्ट में स्लिप करना है, बीच वाला जो मतलब धा है वो सिंपल बजेगा। दूसरा वाला है धा ना तू ना गो धा तू धा ना तू ना गो धा, ये वाला पैटर्न नहीं बहुत बजाया जाता है, इसमें बोल चेंज हो गया था। इस तरीके से अब ये वाला पैटर्न है धा ना तू ना गो धा तू धा, शुरू वाला धा सिंपल है धा ना तू ना गो धा तू, धा ना तू ना ग धा, लास्ट वाला धा को स्लिप कर सकते हैं, शुरू वाला सिंपल धा ना तू ना ग धा धा ना तू ना ग, नग जो है एक साथ है नग, और फिर धा तू धा ना तू ना ग, फिर धा धा ना तू ना ग धा, ऐसे इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक है। धा ना तू ना ग धा तू धा तू ना ग धा तू धा ना तू ना ग धा तू धा ना तू ना ग धा तू धा, तरीके से आप इसको बजा सकते हैं, कितना अच्छा पैटर्न है, ठीक है। इसकी पहले आप स्लो स्पीड में प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही आप बजा सकते हैं, लेकिन सही तरीके से बोल बजाएंगे तो आप भी ऐसा बजा सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। धा ना तू, ठीक है, धा ना तू नग धा तू धा ना तू नग धा तू धा ना तू नग धा तू, समझ गए। धा ना तू, उसके बाद नग और फिर धा। अच्छा, यहाँ पर मतलब थोड़ा सा एक टिप्स देने वाली बात है कि अब जैसे धाना तो नग धा तो हम बजा रहे हैं, सपोज आप थोड़ा इसको स्लो में बजा रहे हैं, जैसे कि तो आप यहाँ पर जहाँ पर धा नातु है वहां पर धा बजा सकते हैं, धा धातु नग धातु, कैसे धा धातु नग धातु धा धातु नग धातु धा धातु नग धातु, ऐसे धा धातु नग धातु धा धातु नग धातु धा धातु नग धातु धा धातु धा धातु नग धातु, ठीक है, धा धातु नग धातु धा धातु नग धातु धा धातु नग धा। केवल ना की जगह पर हमने जो है धा ना तू बजा रहे थे, तो धा धातु आप बजा सकते हैं ये भी, ठीक है, धा धातु, और जब फास्ट हो जाएगा तो धा ना तू बजाएं। इस तरीके से बजा सकते हैं, घेतु धाना तू धाना, एक ये पैटर्न है जो ज़्यादातर आप सुनते होंगे कव्वाली वगैरह में, इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ये कव्वाली टाइप के जो गाने होते हैं, गाने या भजन भी होते हैं, और उनमें भी आप सेम ये वाला पैटर्न बजा सकते हैं। ये थोड़ा सा स्लो स्पीड में बजाया जाता है, जो फास्ट स्पीड में ज़्यादा बजाया जाएगा, जो मैं स्टार्टिंग में भी बजा रहा था उसको भी मैं बताऊंगा, उसमें थोड़ा सा टेक्निक चेंज हो जाती है, बोल लगभग लगभग सेम ही रहते हैं लेकिन बजाने का तरीका चेंज हो जाता है। अक्सर होता यही है कि जब हम स्लो में बजा रहे होते हैं तो बोल थोड़ा सा कुछ और होते हैं, लेकिन जब फास्ट बजाते हैं तो उनमें थोड़ा सा बोल चेंज हो जाते हैं,
इसी चीज का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो गेतु धाना गे, यहां से हमने चाटी से कुछ नहीं बजाया, केवल यहां से स्लिप किया गे तू, ये अलग अलग गे तू, लास्ट में धाना गे तू धाना, ये चीज का ध्यान रखना है। गे तू अलग घे हमने केवल बे साइड से बजाया, गे तू धाना, ना के साथ आप काको रख सकते हैं, इससे बड़ा बात है, बड़ा हो गया मतलब ज्यादा जोर से नहीं रखना, हल्का रखना है, गे तू ऐसे ये पैटर्न लगेगा। इसमें तुलना थोड़ा ऐसा लगता है कि उल्टा चल रहा हो, बहुत अच्छा पैटर्न है और मेरा मतलब फेवरेट पैटर्न है, ठीक है। ये तू धा ना एस तू, अब जो एस जो है वहां पर थोड़ा सा रुका हुआ है, हमेशा बताता हूं जैसे मात्राएं चल रही है, घे तू धाना तू धाना घे तू धाना तू धाना, एस तू लिखा हुआ है ना, एस मतलब थोड़ा सा पॉज रखना है, वहां पर रुकना है हल्का सा, वहां पर एस इसीलिए लिखा हुआ रहता है। ये तू धाना तू, जब हम एस तू बजाएंगे तो ये जो गा है तू के साथ लग जाएगा अपने आप ही, ये तू धाना तू धाना, ये तू धाना। शुरू में घे को स्लिप करेंगे, लास्ट में जो धा है उसको सिंपल ही रखेंगे, ये तू धाना तू धा ना, ये तू धाना तू धाना, ये तू धाना तू धाना, वहां पर रुकना है। इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं यहाँ पर माइंड में, क्योंकि जब कोई भी बोल हमारे माइंड में बैठता है उसके बाद हम तबले पर उसको अच्छे से बजा सकते हैं। सपोज कि आपने अगर उसको समझ ही गलत लिया है तो ऑब्वियसली बजेगा भी गलत, अगर आपने उसको सही से समझा है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पर ही आप तबले पर उसको आसानी से बजा सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करने का तरीका जैसे बोल लिखा हुआ है, घे तू एक साथ एक मात्रा, फिर धाना फिर एस तू, तो बोलना है थोड़ा सा ऐसे ही बोलना, घे तू धाना तो धाना, एस को जो है साइलेंट मुंह में बोलना केवल, घे तू धाना तो धाना घे तू धाना एस तू धाना, तो एस को साइलेंट रखना है केवल माइंड में, घे तू धाना तू धाना घे तू धाना तू धाना, ये सही हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीका है, मतलब आपको प्रैक्टिस करने का जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए घे तू धाना एस तू धाना हो गया, एक बार इसको फिर से देखें, फिर लास्ट में जो फास्ट बजाया जाता है उसको भी बताता हूँ कैसे बजेगा, घे तू धाना तू धाना घे तू धाना तू धाना, ये वाला है। अच्छा अभी लास्ट में जो मैं पैटर्न बजा रहा था जैसे ये वाला, अब इसमें घे तू धिन्ना तू धिन्ना घे तू नता तू धिन्ना घे तू नता तू धिन्ना घे तू नता, ऊपर वाले की जैसा ही है, घे तू नता घे तू घे तू नता आएगा, तो घे स्लिप घे तू सेम है, घे तू ना जो है यहां से बजेगा। अब ये चीज आपने थोड़ा ध्यान रखनी, घे तू न ता ऐसे घे तू न ता, उसके बाद है एस तू जैसे ऊपर में बजा रहे थे हम, एस तू फिर धिन्ना घे तू न घे तू न ता, ये सिंपल है, घे तू न ता घे तू न ता एस तू धिन्ना, ठीक है। धी में स्लिप किया तो धी कैसे बजाया, यहाँ से ना और यहाँ से इसको स्लिप किया तो धी बोल रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, ये धी ऐसे बजेगा, धिन ना घे तू न ता एस तू धिन ना घे तू न ता एस तू धिन ना, समझ गए कैसे बजाना है। ये बहुत फास्ट आप बजा सकते हैं, जितना भी मतलब जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ये तेज जा सकते हैं, लेकिन एकदम सुनते ही फास्ट नहीं कर देना आप, अगर ये एकदम से ये इमेजिन करने लगेंगे अरे मैं इसको बहुत तेज, ये तेज बजता है तो इसको तेज ही बजाऊं,
इसको जितनी स्पीड में मैं बजा रहा हूँ उतनी स्पीड के लिए आपको कम से कम 3-4 महीने चाहिए होंगे डेली प्रैक्टिस, क्योंकि ये एक आदत बनानी होती है। जब आपको सही से समझ में बोल आ जाएगा तो आप इसकी प्रैक्टिस करते करते बहुत तेज़ी बजा सकते हैं। हो सकता है कि आप मेरे से भी बहुत फास्ट बजाने लगे, तो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। फिर ठीक है, लास्ट टाइम फिर देख लें कैसे बजेगा। ये स्लिप किया टू न का, ये टू न का ऐसे, फिर एस टू, टू के साथ गा भी लग रहा है एस टू, फिर न ना, ये टू न का। इस तरीके से आप इसको बजा सकते हैं, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहें अच्छे से। ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो फ़ोन जो नंबर दिया हुआ है शुरू में उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर यूट्यूब पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। बाकी अगर अच्छा लगे, आपके साथ के भी कोई सीखने वाले हैं तो उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा हो इस वीडियो से, ठीक है। और बाकी आप हारमोनियम, ढोलक, तबला कुछ भी अगर मंगवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।